ये हंगामा, ये मारपीट हो रही है देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में। आरोप है कि एम्स के सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसरों ने मरीज के तीमारदारों की लाठी डंडों से पिटाई कर रहे हैं। एम्स अस्पताल में देश के अलग अलग राज्यों से मरीज अपना इलाज कराने के लिए एम्स अस्पताल में आते हैं, लेकिन इसी एम्स अस्पताल से एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस के सामने ही एम्स के सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर मरीज के परिजनों को लाठी डंडों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बाउंसर मरीज के परिजनों को लाठी डंडों से जमकर पीट रहे हैं। ये पूरी घटना रविवार दोपहर करीबन 3 बजे की बताई जा रही है, जबकि एम्स ट्रामा सेंटर के बाउंसर ने लाठी डंडों से मरीज के परिजनों को खदेड़ा। दिल्ली के एम्स ट्रामा सेंटर के अंदर मरीज के परिवारों को डंडों और लाठी से पीटने का एक मामला सामने आया है। मैं इस समय ट्रामा सेंटर में मौजूद हूं। बताया जा रहा है कि 14 साल की लड़की को छत से गिर गई थी, वो उसका हड्डी का ऑपरेशन चल रहा था और सोमवार को वो एडमिट हुई थी। उसके परिजन जो थे वो आज दोपहर के समय अपनी बच्ची से मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए थे और गार्ड से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई और तकरीबन बताया जा रहा है, जो वीडियो में दिखाया जा रहा देखा भी गया है कि उसके अंदर कुछ जो गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड हैं वो महिलाओं को और उनके जो परिजन हैं मरीज के उनको पीटते हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं। बच्ची का कल ही ऑपरेशन हुआ था, उसके जो परिजन हैं बच्ची से मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, उसके बाद पास को लेकर बताया जो जा रहा है, पास को लेकर इसमें कहा सुनी हुई कि एक ही परिजन मिलने जा सकता है, लेकिन वो दो लोगों के मिलने की मांग कर रहे थे लेकिन गार्डों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद आपस में कहा सुनी हुई और गार्डों ने लाठी और डंडों से पीटना शुरू कर दिया। ये पूरा वाक्य पुलिस के सामने हुआ है, जिसकी एक वीडियो भी सामने आई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। पीड़ित परिवारों के लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से इनकी 14 साल की बेटी एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती है, जिसकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी बीते शनिवार की गई थी। पीड़ित परिवार का कहना है कि विजिटर पास पर दो लोगों को अस्पताल में अंदर आने की इजाजत दी जाती है, लेकिन अस्पताल के बाउंसर एक ही शख्स को अंदर जाने दे रहे थे, जिस बात को लेकर पीड़ित परिवार और अस्पताल के बाउंसरों के बीच कहासुनी हो गई, तो गुस्से में बाउंसर ने लाठी डंडों से पूरे परिवार की पिटाई कर दी। वीडियो में हैरानी वाली बात यह है कि अस्पताल के बाउंसर परिजनों की डंडे से पिटाई करते साफ नजर आ रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी नजर आ रही है। इस पूरी घटना में एक ही परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। परिवार का तो ये तक कहना है कि एम्स ट्रामा सेंटर के बाउंसरों ने पीड़ित परिवार की महिलाओं के बाद बदसलूकी भी की। दिल्ली पुलिस ने अस्पताल के कई बाउंसरों को हिरासत में लेकर जाँच शुरू कर दी है। वही दूसरी ओर एम्स प्रशासन का कहना है कि एक पीड़ित पक्ष के कई लोग जबरदस्ती अस्पताल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और बाउंसर ने रोका तो उनकी तरफ से करीबन 30 लोगों ने पहले मारपीट शुरू की, लेकिन दोनों तरफ से कई लोग जख्मी हुए हैं और इस मामले की एम्स प्रशासन जांच करेगा और अगर सुरक्षा कर्मियों की गलती हुई तो एक्शन लिया जाएगा। जितेंद्र शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।